भाई माशाल्लाह से देखे हमारी टर्की बर्ड देखे माशाल्लाह अंडों पे बैठी हुई है। अरे यार ये बड़ा अजीब किस्म का ना अंडों को इनक्यूबेट करती है, कभी बैठती हुई है कभी बैठी होती है, कभी उड़ जाती है कभी बैठती है, पता नहीं इसका क्या मूड है। कभी अंडा तोड़ती है? हाँ जी आपने बोला था ना। हाँ वो एक अंडा तोड़ा था इसने, बाकी तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा इन्होंने कोई और अंडा नहीं दिया इन दिनों में? इब्राहिम भैया इधर आ जाओ, उसको डराना मत। और देखते हैं जी हमारे रैबिट के बेबीज क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई सही सलामत होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। तो इसको उठा के देखते हैं, कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बस खैर आफियत से होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं अपने म्यूजियम में इंशाल्लाह। आज के किसको दिखाऊं, इसमें नहीं है देखो। तो आज के बाद हमारे जो व्लॉग है ना इंशाल्लाह सुबह 11 बजे आपको देखने को मिलेंगे। क्या कर सकते हैं यार, मजबूरी है, ऐसा होता है हर किसी की जिंदगी में। दो रहता है, सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक है। तो भाई इंशाल्लाह आज के बाद आपको मेरे व्लॉग रोजाना सुबह 11 बजे देखने को मिलेंगे। हम एक बहुत ही जरूरी काम में मैं बिजी हो गया था, तो अब मैं वहाँ से फारिग हो चुका हूँ। इंशाल्लाह रोजाना सुबह 11 बजे आपको व्लॉग मेरे अपलोड हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपने जाके रोज देख रहे हैं हमारे चैनल कराची का भी सब्सक्राइब भी करना है, और हमारे बोले व्लॉग एंड तक लाजमी देखना है। आपने आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, इंशाल्लाह एंड तक लाजमी देखिएगा भाई। तो हमारे रैबिट के बेबीज मैं चेक कर लेता हूँ यार, काफी दिन से ना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था मैं यहाँ के इनको चेक करूँ। तो अभी मैं इसको हटा थी ना यार, ये भी रैबिट का बेबी है, ये कोई बड़ा रैबिट नहीं है, ये भी बेबी है, छोटा बेबी था माशाल्लाह। पुराना पिछली बार जो हमारी ब्रीड आई थी ना यार, उसमें से ये माशाल्लाह बड़ा हुआ है। तो इसको भाई हम आगे करते हो, जा भाई स्लाइडे ले रहा है इधर का, सीटियां ले रहा है, आगे हो जा, हमें रैबिट के ना बेबीज चेक करने दे, रैबिट के बेबीज कैसे हैं। तो भाई इसको माशाल्लाह यार, व्हाइट और ब्लैक वाली बेबी जिस बार काफी ज्यादा तादाद में। इसको क्या हो गया भाई, इसके मुंह पे मिट्टी आई है क्या? ओए क्या हो गया भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, कैसे तड़पने लग गए माशाल्लाह। देखिए इस बार तीन रैबिट जो है ना व्हाइट कलर के हैं, और ज्यादा रैबिट हमारे ना येलो ब्लैक है, व्हाइट ब्लैक है माशाल्लाह। दो है व्हाइट, 1 2 3 4 टोटल 6 बेबीज हैं यार हमारे पास इस बार। पिछली बार ज्यादा ब्रीड आई थी और बचे फेरल कुछ भी नहीं थे। अल्लाह करे 6 के 6 बच जाए तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, बड़ा वीआईपी सीन हो जाएगा। तोड़ते हैं इसको, उम्मीद करते हैं अच्छे की इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है ना और ब्रीड हमें देखने को मिलेगी भाई। अरे ये क्या हो गया, उसको क्या हो गया, और ये हमारी टर्की बर्ड क्या कर रही है यार, इसको भी मैं देखूं। राजा तुम्हें मैं बाहर निकालता हूँ ना यार, तुम बहुत ही ज्यादा तंग करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें ना अंदर रहने देना। तुम्हें जब भी बाहर निकालता हूँ तुम मस्तियां करते हो, उल्टा बच्चों को मारते हो यार, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अभी बाहर हो, आराम से खेलो, किसी के पीछे भागना मत, सही है, वरना मैं फिर अंदर कर दूंगा। और भाई हम देख लेते हैं हमारे जिनीवा फॉल वगैरह को यार, उसको प्यास लगी हुई है यार, राजा को प्यास लगी है, इसको पानी डाल के देते। राजा इधर आओ, ओए इधर आ, राजा इधर आ, ये पानी पी ले, इसका डब्बा कहाँ है पानी वाला? वो रहा। राजा इधर, राजा ये पानी पी ले बेटा, इधर ये पानी पी ले, शाबाश, ये लो, आ जा, ये देख पानी, ठंडा पानी, मजेदार पानी, आ जा पानी पी ले। तो भाई हम टर्की बर्ड को पानी सर्व करते हैं यार, पता नहीं कितनी प्यासी ये बैठी होगी, गर्मी लगी होगी इसको, तो इसको हम पानी डाल के ना इसका डब्बा इस तरफ को घुमाते, डब्बा कितना गंदा हो रहा है यार। मैं असल में 2 दिन ना मिनी जू में नहीं था, तो हालत देखें मिनी जू की क्या हो गई, सारे डब्बे गंदे हो रहे हैं। इसको पानी हम यार इसमें डाल के ना मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि हमारी टर्की बर्ड को अगर गर्मी लगे तो भाई पानी पी लेना। भाई हम अपने रैबिट्स के लिए ना, हमारे जितने भी परिंदे हैं उनके लिए हम ये लेकर आए हैं भाई, इनको हम आज ये खिलाएंगे, ये सर्व करेंगे। ये देखिए हमारे तोतों को यार, 2 दिन से मैंने सॉफ्ट फूड नहीं दिया, ये राजा ही काम चेक है। राजा ये ले भाई, तू पहले ले भाई, तू खा, खाता भी नहीं है, मुंह मार के छोड़ देता खाली। अच्छा 2 दिन हो गए हमने, पता क्या है, हमारे जितने भी रबड़ देना यार उनको सॉफ्ट फूड नहीं दिया है, तो मैंने सोचा आज इनके ना लाजमी लेकर आता हूँ ये सॉफ्ट फूड ना यार, इनको मैंने खिलाना है, क्योंकि बेचारे इतने दिनों से ना यार पता नहीं क्या क्या खा रहे हो, सिर्फ दाने पे चल रहे होंगे। मैं रेगुलर हो गया था, इनको रोजाना सॉफ्ट फूड दे रहा था, अब जो है 2 दिन बीच में गैप आ गया था तो मिस हो गए। अब मैंने सोचा इंशाल्लाह इनको ना, क्योंकि यार गर्मी एकदम इतनी हो गई है, इतना अच्छा मौसम हुआ था बीच में, अभी फिर एकदम इतना ज़्यादा गर्म हो गया यार, अच्छा खासा ठंडा मौसम हुआ था। हम सब ने डब्बे लगा लिए, मैंने तो डब्बे लगा लिए थे भाई ब्रीड के साथ, देख के ना अब जो गर्मी पड़ रही है ना आजकल, तो मैं सोच रहा हूँ डब्बे वापस हटा देते हैं ना। तो इसको हम काटते हैं, पीसेस करते हैं, और हमारे जितने रबड़ देना सबको हम एक एक करके सर्व करते हैं। अभी मैं जाके देखता हूँ हमारे सेफ्टी रूम में क्या हाल है, सेफ्टी रूम में क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या चीज है। हाँ ये देखना पड़ेगा, डब ना उड़ी हुई हो कोई तो भाई। अच्छा आप लोग दाना भी लेकर आए हो कल का है? अच्छा कहाँ पे? हाँ दाना खत्म हो गया था ना, तो ये तो अच्छा हुआ आप लोग दाना लेकर आ गए। इसका अंडा हैच हुआ नहीं हुआ, मैं इसका ये देख लूँ यार, कब से ये अंडों पे बैठी हुई है। ओ भाई उठो, तुमने अंडा हैच किया नहीं किया? अबे अंडे वैसे के वैसे ही हैं भाई, ऐसे
खा लो खाने के लिए खाने वाले ये। तो भाई तो माशाल्लाह इन्होंने ये लोग अंडो। अच्छा यहाँ पे एक चीज नोट करें, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, हमारा कोई भी लवर जो है ना डब्बों पे नहीं जा रहा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। पहले जब मैंने कोई यहाँ पे लाके शिफ्ट किया था ना यार, इतना गर्म मौसम नहीं था, अब बहुत ज्यादा गर्म हो गया मौसम। ये रूम हमारा जो था पहले ठंडा हो गया था बीच में, मैं पहले पंखा हम पहले चला के छोड़ते थे, फिर मैंने बीच में पंखा बंद कर दिया, फिर मैंने इनको लाके यहाँ पे शिफ्ट किया। मैंने बोला यार नीचे अब ठंडा मौसम हो गया, इनको यहाँ रखते ब्लीच शीट लेते ठंडा आ गई है, पर एकदम मौसम ने अच्छी पलटी मारी है। जून में क्या गर्मी होगी जो हमारे अब अक्टूबर में गर्मी पड़ने जा रही है। अपने लवर को कोई सॉफ्ट फूड पे लगाना चाहते हो और वो खाता नहीं है, उसका बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक सॉफ्ट फूड अंदर रखो जो आप खिलाना चाहते हो, उसके बाद आप पता क्या करो और उसको आप सॉफ्ट फूड उसके एक पिंजरे में रख दो, सही है, उसके खाने के दाने में डब्बे में रख दो या साइड में रख दो। अगर वो नहीं खा रहा है ना तो आप उसको एक दिन दाना ना सर्व ना करो, दूसरे दिन आप चेक करो वो सॉफ्ट फूड जो आप आपको खिलाना वो बिल्कुल फिनिश होगा, खाया होगा उन्होंने। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त टेक्निक है भाई, अगर आप अपने लवर को कोई सॉफ्ट फूड खिलाना चाहते हो वो नहीं खा रहा ना, तो उसको आप उसके डब्बे में रख दो और दाना वाना सब हटा दो, तो वो सॉफ्ट फूड लाजमी खाएगा, जग मार के भी खाएगा भाई। तो हम अभी ये वाला सॉफ्ट फूड जो है ना अपने लवर को सर्व करते हैं, उनको पीसेस कर करके डालते हैं और सबको पानी जो है ना वो डाल देते हैं, क्योंकि यार प्यास लगी हुई होगी, गर्मी बहुत पिंग लेवल की, मुझे पता है हमारी हालत है। ओए माशाल्लाह देखो हमारा ग्रीन पैरेट देखिए कैसा जबरदस्त है यहाँ पर, इसने भी माशाल्लाह अच्छा एडजस्ट किया। मैं तो इसको भूला हुआ था यार, हमारा जो ग्रीन पैरेट इनको मैं पानी ला के डालता हूँ ना, फिर इनको देखता हूँ। पानी डालेंगे हम इधर ताकि हमारे बर्ड जो पी लो। भाई इसको प्यास लगी हुई है, इसको पहले थोड़ा पानी डाल के ना, जो गंदा पानी है ना यार इसको हम ऐसे गिरा लेते हैं, थोड़ा पानी और डालेंगे ये। अबे देखो यार क्या हाल है, ये लो भाई पानी पियो, आ जाओ आ जाओ सारे पानी पी लो। पानी इब्राहिम यार ये पानी लेकर है इसमें डब्बे में ना ये देखे भाई इतना सारा पानी आया, मेरी बेटी इतना सारा पानी लेकर आई है। चलो भाई कोई बात नहीं, जितना भी हो ये पी तो सकेंगे ना यार, प्यास तो बुझा सकेंगे अपनी। और तो भाई अभी जो है ना सॉफ्ट फूड जो है ना हम अपने लवर को ले जाके सर्व करते हैं, क्योंकि यार बेचारों को भूख लगी भी होगी, सॉफ्ट फूड जो है ना दो दिन से इनको मिला नहीं है, तो तीसरे दिन मैंने सोचा आज हम इनको ये सॉफ्ट फूड दे ही देते हैं यार, क्योंकि दो दिन से इसको कुछ भी नहीं मिला। ये देखो राजा एक काम चेक करो, इतने सारे मैं केले लेकर आया था, आधे से ज्यादा राजा खा गया, उसके बावजूद इसकी हालत चेक करो। ये देखो कह रहे अभी भी मुझे खिलाओ, ये देखो राजा ये काम, राजा पहले हम उनको दे देते हैं फिर आपको जो बचेंगे ना यार वो वाले इलाके में पक्का आपको खिलाऊंगा। अभी हम पहले अपने लवर्स को डाल दें, उनको पहले हम खिला दें हमारे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी टर्की बर्ड कैसे जबरदस्त तरीके से ना अंडो को इंक्यूबेट करी है, अल्लाह करे इंशाल्लाह इसी तरह इसको इंक्यूबेट करती रहे। और मुझे लग रहा है भाई बारिश भी हुई है बाहर, मैं तो जरा ना इनडोर कामों में बिजी था, तो अभी जो है ना देख रहा हूँ कि यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है जैसे बारिश में होता है हमेशा। तो अभी हम चलते हैं अंदर सेफ्टी रूम में, हमारे लवर्स को देखते हैं कितने केलों की जरूरत है भाई, उनको हम जो है ना तोड़ तोड़ के देते हैं। जो बड़े इस वाले केज में है ना जितने भी लवर हैं इनको सबको पूरा पूरा दूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा लवर थे, बाकी सबको आधे आधे पीस करके देंगे। तो इनको डालते हैं, आपको दिखाते हैं इसके बाद क्या सीन होता है, कैसा जबरदस्त। ये देखिए खाना शुरू कर देंगे, अभी मैं डाल के दूंगा ना तो आप देखिएगा तो फौरन ही खाना शुरू कर देंगे। अभी हम इनको डालते हैं फिर साइड में होते हैं, देखते हैं आपको कैसा जबरदस्त सीन होगा। हमारे कॉकटेल पैरेट जो है ना यार पता नहीं क्यों अंडे वगैरह क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये चीज समझ आ रही। इस बार ना सोचो इनको छिलकों समेत डाल देता हूँ, क्या करते हैं ये इनका देखता हूँ भाई। हाँ इस बार ना छिलकों के समेत डालता हूँ, अगर ये सुबह तक इन्होंने नहीं खाया ना तो मैं आगे छिलका डाल दूंगा। अभी ये यहाँ क्या कर रही है, ये क्या सीन है भाई, अबे यहाँ से कहीं से उड़ी है और यहाँ पे आगे फंस गई है। वो देखो काम चेक करो हमारे इनके डव्स के, बाबा एक डव इब्राहिम यहाँ से उड़ी है और इसके अंदर जाके फंस गई है। वो देखो कर दे। नहीं रुको रुको मैं पकड़ता हूँ उड़ जाएगी इसको, मैं पकड़ के ना सेफ्टी में दूसरे केज में डालता हूँ, फिर भाई फिर हमारे दोस्तों को दिखाता हूँ हमने इनको जो सॉफ्ट फूड सर्व किया है वो कैसा लग रहा है। तो यार माशाल्लाह से सबको जो मैंने केला यहाँ पे डाला था ना सॉफ्ट फूड, कुछ परिंदों ने जो है ना इसका बिल्कुल सफाया कर दिया है और कुछ परिंदों ने जो है ना इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया है माशाल्लाह से। देखें ये वाले जो पैरेट्स है ना यार मेरे लवर्स, ये तो अलहमदिल्ला किसी चीज़ को नहीं छोड़ते, हर चीज़ पे हमला कर देते हैं। तो हमने ट्राई किया छिलके समेत इनको सॉफ्ट फूड डालने का, तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक इन्होंने खाया हुआ है। ओह इतना सारा कचरा, ये इतना सारा दाना ज़ाया करते हैं भाई ये लोग। तो उम्मीद है कि भाई सुबह तक ये सारा दाना इन्होंने ख़त्म कर दिया होगा और सारा क्लीन एंड क्लियर कर दिया होगा और ये सारा सॉफ्ट फूड जो है इनके पेट में होगा और इससे जो है ना फ़ायदा उठाएंगे। तो ये था हमारा आज का भी लोग, उम्मीद करता हूँ पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इंशाल्लाह मिलते हैं कल तक के लिए, दीजिए इजाज़त बच्चे हैं भाई क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल भाई, अब कोशिश उम्मीद है कि भाई यहाँ से कोई डब ना उड़े, क्योंकि मैंने इसके आगे लगा दिया भाई, अब कल मिलते हैं।